बॉडी क्यों थी तक का सफर, एक एक परसेंटर से आईएमएस तक का सफर, जर्नी इतनी आसान तो नहीं थी, बहुत सारे चैलेंजेस आए। लेकिन कहते हैं ना, जीत उन्हीं को मिलती है जिनको अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा होता है। फ्रेंड्स, छोटी सी बात बोलना चाहूंगी कि बहुत बार तकलीफ हुई थी। लोग बोलते हैं कि मैडम आप 3 बजे कहां निकलते हो, आप रात में 2 बजे की फ्लाइट ले लेते हो, आप कभी आसाम चले जाते हो, कभी गुजरात निकल जाते हो, आज आप महाराष्ट्र में हो, कल आप दिल्ली में हो, आप करते क्या हो। मैंने उनको एक ही चीज बोली कि मेरी जो जीत है ना, जो मेरी जिद है, जो मेरे सपने है ना, वो बहुत ज्यादा ऊपर है, बहुत बड़े हैं। अभी वो एक दो फिट का सफर मुझे बहुत भारी पड़ रहा है, जो आईएमएस से लेकर लेजेंड तक का है। 2 दिन से परसों बहुत एक्साइटेड थी, बहुत हैप्पी थी, कल वापस उदास थी। तो रात में सारे मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे, आज आप इतने परेशान क्यों हो। मैंने कहा, वो 2 फिट का सफर तय करने में मुझे और कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी, मैं झेलने को तैयार हूं, लेकिन मुझे वो 2 फिट का सफर तय करके लेजेंड बन के ही आना है। फ्रेंड्स, आज इतनी मतलब पवन जी ने, हरीश जी ने इतनी बड़ी टाइटल जो दिया, उसके लिए कुछ टिप्स शेयर करना चाहूंगी कि बहुत बड़े लेजेंडरी लेजेंड ने कहा है कि आपको यदि वेल्दी बनना है, रिच बनना है और आपको बहुत बड़ा पैसा कमाना है, तो आपको बहुत बड़ा टर्नओवर लाना पड़ेगा और बहुत बड़े टर्नओवर के लिए बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। तो बहुत बड़े नेटवर्क को संभालने के लिए बहुत बड़ा ट्रेनिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा और ट्रेनिंग सिस्टम के साथ साथ आपको सेल्फ डेवलपमेंट करना होगा, आपको खुद में इतना डिटरमिंड होना होगा और ऐसा कुछ बिजनेस करना है कि जो डुप्लीकेबल हो। मेरे को कुछ लीडर्स बोलते हैं, मैडम आपको हम सुबह सुबह देखते हैं कि आप 6 बजे निकल जाते हो, तो हम भी मोटिवेट होते हैं और हम भी निकल जाते हैं, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। फ्रेंड्स, इतना ही बोलूंगी, आज मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल का समय मैं निकालती हूँ, 14 घंटे वन डे ड्राइव करके वापस आती हूँ, क्योंकि एज बीइंग लेडी मुझे बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। मैं बहुत सारे, महाराष्ट्र का शायद ही कोई ऐसा गांव होगा, कोई ऐसा छोटा शहर या बड़ा शहर होगा जहां पर मेरा नेटवर्क डेवलप नहीं हुआ हो, और उसके बाद गुजरात या यूपी में शुरू किया है मैंने, थोड़ा बिहार शुरू किया है, फिर दिल्ली शुरू किया है, और अभी तो हद ही हो गई। मुझे ये फेसबुक से एक कॉल आया, मैडम मैं आसाम से बात कर रही हूँ, मुझे सिर्फ आपके साथ जुड़ना है। मैंने कहा मैं इतना दूर आके कैसे आपको डेवलप करूंगी, पर मेरे दिमाग में आया कि पवन मलिक भी जी तो एक बार दिल्ली से, हरियाणा से पुणे आए थे ना, क्या मालूम मुझे भी आसाम में एक और एनएमएस आईएमएस मिल जाए। तो दोस्तों, जिस समय परिस्थितियां बहुत खराब थी आसाम की, 9 और 10 तारीख को टोटली कर्फ्यू लगा हुआ था और मेरी रात में 3 बजे की फ्लाइट थी और 8 तारीख की रात को 3 बजे की फ्लाइट लेकर मैं 7 बजे आसाम पहुंची। वो जो लेडी थी मेरी लीडर, उन्होंने चलते चलते एक एक घंटे का सफर तय करा करा कर अपने लीडर्स को मुझे मिलवाया और हम पूरा दिन एक ही जगह बैठे रहे क्योंकि पूरा आसाम बंद था। और उसके बावजूद दोस्तों, वो है ना मेरी लीडर सिल्वर डायरेक्टर हो गए। और इस बार वो आरएमएस बन के आती थी, पर बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स वो जल्दी ही नेक्स्ट आरएमएस मीटिंग में आएगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यदि वो इतने स्ट्रगलिंग पोजीशन में रईस आज काम कर सकते हैं या हमारी बेंगलोर की लीडर्स यहाँ आ सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। यही सिलसिला, यही जरिया मैंने ना 3 साल लगातार चालू रखा है। एक भी दिन ऐसा नहीं होता, 12 स्टेप्स में ये सिखाया जाता है कि लगातार 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 काम करते रहो, एक भी दिन मैं ब्रेक पर नहीं होती। फ्रेंड्स, ये मेरी वो जर्नी है जिसको आज मुझे कुछ सिखाने को बोला है, तो मैं सभी आरएमएस, एनएमएस, लक्ष्मी कार अचीवर्स या जो भी मेरे लीडर्स हैं, एक ही चीज बोलना चाहूंगी, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क एंड देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ बिग मनी। अरे 1 लाख का 2 लाख कर देंगे, जाना कहाँ है 1 करोड़ रुपए महीने का कमा के, खर्चा करने को भी तो समय चाहिए। हम 1 करोड़ रुपए महीना जरूर कमाएंगे, लेकिन एक प्रोसेस के साथ। फ्रेंड्स, मैं एब्सोल्युटली फ्रेशर रही, मेरी ये पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। आज मैंने काफी लीडर्स को सुना जो 10 साल 12 साल 15 साल 17 सालों से हैं, तो मैं राणा जी को एक जरूर चीज बोलना चाहूंगी कि जरूरी नहीं कि 17 साल मैंने किसी नेटवर्क कंपनी में नहीं दिए हो, जरूरी एक चीज है कि मेरे अंदर वो ऑडी को पाने की जिद कितनी गहरी है।
अच्छा लगता है जब मैं कुलदीप जी से मिलती हूँ, फटाफट जल्दी जल्दी जगुआर दिला देते हैं। आज मैंने अमित जी को देखा, क्या शानदार लीडर है, कितने सिंपल सादे से और इतने सॉफ्ट पर्सनैलिटी और फटक से ऑडी लिया है। जब मैं कभी बैक स्ट्रीम में जाती हूँ, मैं बोलती हूँ कि एक ऑडी खरीदना, एक जगुआर खरीदना लोगों का कई कई जन्मों तक का है ना ड्रीम होता है। लेकिन पावर ऑफ प्रेस्टीज, मतलब हम लोग बिजनेस फैमिली से हैं, आज हम लोग 40 सालों से इतना बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, फिर भी मेरे हस्बैंड एक बात बोलते हैं कि 16 महीने में ऑडी कार, ये कौन सा बिजनेस है। मैंने कहा मैं तो बहुत स्लो हूँ, मिली हमारे लीडर से जिन्होंने 6 महीने में जगुआर कार लाया है। ये पावर है सिस्टम की, ये पावर है फ्रेंड सिस्टम की, और ये पावर है, देखिए सिस्टम मिलेगा, कंपनी अच्छी मिलेगी, लोग अच्छे मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा चाहिए जो है वो आपका जुनून, आपकी जिद, कितना आप अपने सपनों के लिए स्ट्रगल कर सकते हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कोई भी ट्रेनिंग नहीं छोड़ती हूँ, एक सिर्फ 3 साल में मेरी एक PFS मीटिंग मिस हुई, क्योंकि मेरे घर में बहुत बड़ी सिचुएशन खराब थी, इस वजह से मेरे बच्चों के एग्जाम चलते हैं 10th और 12th, लेकिन 2 साल में पूरे दोनों साल में बाहर थी फुल टाइम। लोग लेडीज को बहाना होता है, स्पेशली लेडीज के लिए बोलूंगी कि मेरे बच्चों के एग्जाम है, मेरे हस्बैंड को डब्बा देना है, मुझे खाना बनाना है, मुझे किचन देखना है, मुझे घर देखना है। फ्रेंड्स, आप लोगों को एक बहुत बढ़िया एक चीज शेयर करूंगी कि जिन 2 साल 18 और 19 पूरे में मैं बाहर थी और मेरे तीनों बच्चे टॉपर्स थे, मेरे बेटी ने 94% से 12th किया और मेरे बेटे ने 98% से महाराष्ट्र टॉप किया। देखिए ताली बजानी है तो मन से बजाइए, क्योंकि दिल से जो भी काम करना है दिल से करना है। एक ही चीज देखिए, मैं बहुत बार सोचती हूँ, कभी कभी मैं बैक अपना हिस्ट्री देखती हूँ कि मैं क्या थी। मैं जस्ट एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी, हर बात के लिए मेरे हस्बैंड का कार्ड दे दो, पैसे दे दो, कितनी में जाना है, पार्टी जाना, यही तो है। लेकिन आज वेस्टीज की सिस्टम देखिए, मैं क्या थी, लोग मुझे पहचान नहीं पाते, और आज कभी कभी मैं सोचती हूँ क्या मैं वही लीना खंडेलवाल हूँ जो 3 साल पहले थी। आज वेस्टीज ने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है और अभी तो ये शुरुआत है, 3 साल में तो मैंने नेटवर्किंग सीखा है, 2020 में क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। दोस्तों, ये मेरा घमंड नहीं है, मेरा प्राउड नहीं है, ये मेरा खुद के ऊपर भरोसा है, ये मेरा टीम चैंपियन और मेरे को वेस्टीज के ऊपर भरोसा है कि यदि मैं और 2 साल लगी तो शायद 25 से 50 लाख रुपए का चेक मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यही नहीं, 3 साल में कैसे है ना, थोड़ी सी सोशल भी हूँ तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है आपको सोशल करने का। फाइनेंशियली कोई बहुत ज्यादा चैलेंजेस मेरी लाइफ में नहीं थे, लेकिन आज ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप यहाँ पे लोगों का हाथ पकड़ के, उनकी उंगलियां पकड़ के, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाते हैं, उनके घरों में आप जरिए बनते हैं भगवान के माध्यम से, उनके घरों में आप दिया जलाते हैं। आज मेरी टीम में इतने सारे लीडर्स है, लगभग 50,000+ का टीम हो चुका है सिर्फ 3 साल में। जिस लीडर के पास, जिस लीना खंडेलवाल के पास एक भी लिस्ट में नाम नहीं था, जो किसी नेटवर्कों को नहीं जानती थी, जिसने कभी किसी MLM में काम नहीं किया, जिसको डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है ये नहीं पता था, यदि वो लेडी इस सिस्टम में सफल हो सकती है तो दोस्तों ये मेरा चैलेंज है, यहाँ पे बैठा हुआ हर बंदा सफल हो सकता है। बस वही जिद और जुनून और अपना पागलपन मत छोड़िएगा, ये मेरा वादा है कि 3 से 5 साल में 3 से 5 लाख रुपए का चेक और ऑडी जगुआर Q3 हमें हर कोई गाड़ी आपके पास होगी। थैंक यू सो मच।